गांधी आश्रम भितिहरवा में अभी हम लोग उपलब्ध हैं और हमारे साथ यहां से मोहन जी हैं जो हमें गाइड करेंगे, जो हमें बताएंगे कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीजें, माँ कस्तूरबा से जुड़ी हुई चीजें कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं और क्या क्या चीजें हैं। मोहन जी आइए हमारे। कैसे चीजें हैं यहाँ पर? गांधी जी का तस्वीरें हैं सर, जहाँ जहाँ गांधी जी गए हैं सर वहाँ वहाँ का तस्वीर है सर। गांधी जी का जो भजन है, प्रिय भजन जो है, वैष्णो जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे कोए मन अभिमान न आने रे, सकल लोक कमा सहुने बंदे निंदा कर रे कुंपी रे, वाच काच मन निश्चल राखे धन जननी तेनी रे, सम दृष्टि ने त्रिणा त्यागी पर स्त्री जेने मातरे, जीवा थकी असत्य न बोले पर कन्नौ झाले हाथ रे, मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मामना रे, राम नाम मुंशु ताली लागे सकल त्याग तेना तमन्ना रे, वर्ण लोभी ने कट पर हित छे काम क्रोध निवार्या रे, भणे नरसयो तेनु दर्शनम करता कुल एको तरे तार्यारे। नरसिंह मेहता कृत जी के द्वारा ये रचना की गई है और ये भजन है महात्मा गांधी जी का। एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि गांधी जी कैसे यहाँ पे आए हैं मोतिहारी से चलकर। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी से चले थे और 22 अप्रैल को पैदल चलकर गांधी जी यहाँ भितिहरवा आश्रम में पहुंचे थे और उनको एक ऐसे जमीन की आवश्यकता थी जिस जमीन का कर न लगता हो, जिस जमीन की टैक्स न लगती हो, ऐसे जमीन उनको उपलब्ध हुआ ये भितिहरवा में। आइए हम आपको उनकी बहुत जुड़ी हुई यादों को, उनकी तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पे आप इधर भी देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक एक करके उनकी सारी चीजें लाइब्रेरी में बहुत ही सही तरीके से संभाल के आग भी लगाई गई है और आग भी रखी गई है। सबसे बड़ी खासियत है इस जगह की कि ये जगह महात्मा गांधी के नाम से रजिस्टर्ड है और ये जो जमीन है, ये जो भूमि है, ये महात्मा गांधी के नाम पे उपलब्ध है। सरकार के पास भी इसका बहुत सारा डॉक्यूमेंट है और यहाँ भी उपलब्ध है, वो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाएंगे भी। और आइए बहुत सारी चीज़ें उनको जो है दिखाते हैं। ये संग्रहालय है और ये जो चीज़ें हैं आप एक एक करके देख सकते हैं कि ये कैसे इस चीज़ को व्यवस्थित किया जा रहा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती की तैयारी को लेकर के यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, डेकोरेशन का काम चल रहा है, रेनोवेट का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी हर छवि को, उनकी हर यादों को कैसे बनाया गया है, कैसे दिखाया गया है और आज भी कैसे संभाल में रखा गया है। एक एक चीज़ आप देख सकते हैं कि गांधी जी की बकरी के साथ जो है वो फोटो खिंचवाए थे। दक्षिण अफ्रीका में एक सत्याग्रही के रूप में गांधी जी जो थे, जब बिहार के सीमापदन ग्राम की एक मुस्लिम स्त्री से बात करते हुए गांधी जी की जो एक तस्वीर है वो आपको बयान करती है कि गांधी जी बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही भिन्न व्यक्ति थे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो गांधी ये पंडित राजकुमार शुक्ला जी का ये फोटो है, ये तस्वीर है जो गांधी जी को पूर्वी चंपारण से पश्चिमी चंपारण में लाने का काम किए थे। ये 20 मई को यहाँ पे उपलब्ध थे और 23 अगस्त इनका जन्म हुआ था, 23 अगस्त 1875 को और इनकी मृत्यु 20 मई 1929 को हुई थी। ये है पंडित राजकुमार शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ल जी की डायरी की तस्वीरें वहाँ पे उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक एक चीज जो है आप देख सकते हैं कि कैसे गांधी जी 1948 ईस्वी में प्रार्थना सभा में कैसे जा रहे थे और किस तरह से एक डंडा का इस्तेमाल करते थे अपने चलने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें यादगार के रूप में महात्मा गांधी के रूप में आज भी यहाँ पे लाइव है, आज भी जीवित है और आज भी इन चीजों को संभाल के रखा गया है। इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी जी है जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। जब वो 6 साल की थी तो गांधी जी के पास कैसे रहती थी, एक पुत्री की तरफ उन्होंने उनको अपना प्यार दिया था। और इस तरह की जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के लिए स्वागत संबोधन करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर अमरकुंड शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 18 फरवरी 1940 की ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने उपलब्ध हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी याद, ये सेवाग्राम में एक बच्चे के साथ खेलते हुए महात्मा गांधी, ये अगस्त की तस्वीरें हैं 1944 ईस्वी, गांधी जी मीराबाई के साथ। आप देखिए कि मीराबाई के साथ गांधी जी कैसे हैं। गांधी जी बिहार में सन 1949
47 में अब्दुल गफार के साथ प्रातः काल सैर कर रहे थे, तब की ये तस्वीरें हैं। और ये बहुत सारी यादें हैं महात्मा गांधी की। और हम अब 8 वर्ष की उम्र में से अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महात्मा गांधी के हाथों से बनाई गई झोपड़ी यहाँ पे आज भी उपलब्ध है और आज भी वैसे ज्यों का त्यों है। उस झोपड़ी में थोड़ा बहुत रेनोवेट किया गया है लेकिन वो झोपड़ी आज भी उपलब्ध है। आइए हम उस झोपड़ी में चलते हैं। ये है वो झोपड़ी जो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी के द्वारा ये बनाया गया था, उनके हाथों से ये बनाई गई झोपड़ी जो आज रेनोवेट हुई है। आइए हम इसको दिखाते हैं। सर चप्पन जूता निकाल जाएंगे। पूज्य बापू का मुख्य स्मारक आश्रम की मूल कुटिया, कृपया जूता चप्पल बाहर निकाल दे। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हमें भी अपना जूता चप्पल बाहर निकालना होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे ये चीजों पे अभी 2 अक्टूबर की तैयारी चल रही है, रेनोवेट का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पेंट पोछारा करने के लिए सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये गांधी जी की कुटिया है जो यहाँ पे नील का तैयार टिकिया बनाने से पूर्व तैयार नील का गाढ़ा घोल, ये सब जो चीजें हैं जो अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पे उपलब्ध हुआ करता था। और ये ऐसे करके पानी से भरे हौज में नील को सड़ने के लिए रखना, इस तरह का जो प्रोसेस हुआ करता था, नील की खेती का पुराना चित्र आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा। बहुत सारी चीजें जो हैं एक एक करके इस जगह में आपको शामिल है और आपको देखने को भी मिलेंगी। आप इसके साथ साथ चंपारण की पुरानी तस्वीर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इसके साथ साथ नीलाहा कोठी का एक आलिशान भवन जो है उसकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। नील की कटाई की जो तस्वीर है वो यहाँ पे लगी हुई है। नील की महाई उन्नत चित्र जो है, कैसे नील की महाई होती थी उसकी एक उन्नत चित्र यहाँ पे उपलब्ध है। और आप देख सकते हैं कि कैसे हजारीमल धर्मशाला बेतिया की ये तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। इसके साथ साथ हरदिया कोठी के कमरे का फर्श, ये इस तरह का जो पुरानी यादें हैं, जो गांधी जी से जुड़ी हुई यादें हैं वो आप देख सकते हैं। लाल सरिया नील फैक्ट्री के 4 दीवारी का अंश जो है ये उपलब्ध है। मशीन द्वारा नील की मथाई कैसे होती थी वो यहाँ पे उपलब्ध है। इसके साथ साथ नील की फैक्ट्री का तैलचित्र, पिपरा कोठी के नील फैक्ट्री का नाला और उसे ऐसे बनता था, इस तरह की चीजें जो है जो गांधी जी से जुड़ी हुई है। महत्वपूर्ण चीज जो है जो कस्तूरबा गांधी जी अपने हाथों से जिस जाप को चलाती थी और महात्मा गांधी इसको अपने ससुर की, महात्मा गांधी चाहते थे कि लोग स्वावलंबी हो और अपना रोजगार रोजगार हो, ये रोजगार देने का काम करता था। इस जाप से जो है बहुत सारी चीजें होती थी, आज वो जांच आज भी वैसे ही रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी रेनोवेट का काम चल रहा है, जो लोग हैं यहाँ पे इसको सजाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर की तैयारी यहाँ चल रही है। इसी रूम में माँ कस्तूरबा रहती थी सर, और इसी कमरे में माँ कस्तूरबा रहती थी और अपना जीवन यापन करती थी।